हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिन प्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक सेविंग फिक्स डिपॉजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। देखिए, ये जो दोनों स्कीम है बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, लोग इसमें अपना टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ उन्हें इसमें एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है। लेकिन अगर आपको दोनों स्कीमों में से कोई एक स्कीम सिलेक्ट करनी हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, तो आप कौन सी स्कीम सिलेक्ट करेंगे? तो आपका ये कन्फ्यूजन आज इस वीडियो में दूर होने वाला है, क्योंकि हम दोनों में कंपेयर करके आपको बताने वाले हैं कि कौन सी स्कीम जो है आपके लिए बेस्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में भी ओपन होती है और पोस्ट ऑफिस में भी ओपन होती है, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि जो बैंक में टैक्स सेविंग एफडी होती है उसमें एक लिमिट सेट किया हुआ है कि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप उसमें पैसा नहीं डाल सकते, जबकि पोस्ट ऑफिस में जो है ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है, आप वहां पर कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बैंक में जो है पोस्ट ऑफिस की तुलना में आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलता है। तो आज की इस स्कीम में जो है हम पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेविंग एफडी को कंपेयर करेंगे पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम से, क्योंकि दोनों एक ही पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, इसलिए आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपको जो है दोनों में से कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं इनकी समानता की। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग एफडी और जो एनएससी है वो दोनों भारत सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है। दोनों जो है टैक्स सेविंग स्कीम है और दोनों की जो मैच्योरिटी है वो 5 साल की होती है, यानी इसमें जो आप एक बार पैसा जमा करोगे वो 5 साल के बाद आपको जो है ब्याज के साथ मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनमें डिफरेंस की, जो ये डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन सी स्कीम बेस्ट है। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है इंटरेस्ट रेट। देखिए, पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेविंग एफडी में वर्तमान में आपको 7.7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है, और एनएससी में आपको वर्तमान में 7.9% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो एफडी होती है उसमें आपको हर साल इंटरेस्ट दे दिया जाता है, यानी 5 साल में हर साल जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपके सेविंग अकाउंट में हर साल जमा कर दिया जाता है। लेकिन एनएससी में जो है पूरा पैसा आपको 5 साल के बाद ही मिलने वाला है ब्याज के साथ। दूसरा पॉइंट आता है टैक्स बेनिफिट। देखिए, टैक्स बेनिफिट दोनों स्कीमों में आप जो है 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की ATC कैटेगरी के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन एनएससी में एक एक्स्ट्रा फायदा यह है कि उसमें जो 4 सालों का जो इंटरेस्ट होगा वो आपको टैक्स फ्री मिलेगा, और 5वें साल का जो इंटरेस्ट है उस पर ही आपको जो है टैक्स लागू होगा। लेकिन टैक्स सेविंग एफडी में आपको जो है पूरे 5 साल के जो इंटरेस्ट है उस पर आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इनकम टैक्स कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर। तो देखिए, एफडी में जो पोस्ट ऑफिस की एफडी है उसमें प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है, 6 महीने के बाद आप उसको जो है प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो है इंटरेस्ट रेट जो है कम मिलेगा। लेकिन एनएससी को आप जो है प्री मैच्योर क्लोजर नहीं कर सकते, यानी एनएससी जो है 5 साल के बाद ही क्लोज हो सकती है। तो आपको ये ध्यान भी रखना जरूरी है कि अगर आपको 5 साल के पहले पैसों की जरूरत पड़नी है तो आप जो है एफडी में पैसा इन्वेस्ट करिए, और अगर जरूरत नहीं पड़नी है तो आप जो है एनएससी में पैसा डालिए, क्योंकि वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिल रहा है, तो वहां पर आपको जो है बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा, और आपको टैक्स सेविंग, उसके इंटरेस्ट में भी आपको टैक्स सेविंग मिल रहा है। इसके लिए सब तरीके से मिला के जो है आपके लिए एनएससी में ज्यादा बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। तो देखिए, फिक्स डिपॉजिट जो एफडी होती है टैक्स सेविंग, उस पर आप लोन नहीं ले सकते, लेकिन एनएससी में जो है लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसमें आप बैंक में गिरवी रखकर उस पर जो है आप लोन ले सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में बताता हूं कि अगर आप दोनों स्कीमों में अगर मान लो 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। देखिए, अगर आप टैक्स सेविंग एफडी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और वर्तमान में 7.7% इंटरेस्ट रेट है, तो आपको जो है 5 सालों में टोटल जो इंटरेस्ट मिल जाएगा वो मिलेगा 1,39,626, यानी टोटल जो पैसा मिलेगा वो 1,39,626 मिल रहा है। इसमें जो ब्याज है वो आपको 39,626 रुपया है। अब ये 39,626 रुपया आपको एक साथ नहीं मिलेगा, इसमें क्या है हर साल आपको ब्याज दे दिया जाता है,
तो आपको हर साल 7,925 रुपया जो है हर साल आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। एनएससी में मैं बात करूं, अगर आप एनएससी में 1,00,000 रुपया जमा करते हैं तो आपको 5 साल के बाद टोटल रुपया जो मिलेगा वो मिलेगा 1,46,253 रुपया। तो देखिए कहां पर इसमें जो है वहां पर आपको 39,626 रुपया मिल रहा था और यहां पर आपको मिल रहा है 46,253 रुपया, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में फर्क है। तो मैं यहां पर आपको अगर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है अगर टैक्स सेविंग ही करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आप एनएससी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि टैक्स सेविंग एफडी में आपको टैक्स भी ज्यादा लगेगा और आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों स्कीम में से आपके लिए कौन सी बेस्ट स्कीम है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।